हाइट बढ़ाने की साधना विधि बताएं। क्यों आप रावण बनना चाहते हो? क्योंकि रावण एक ऐसा निम्न स्तरीय साधक था जो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के साथ छेड़खानी करता रहता था। कभी वो अपने 10 सर बनाने के लिए साधना किया करता था। इसके अलावा वो क्रोधवश या फिर अहंकारवश किसी को भी श्राप दे दिया करता था और उस निम्न स्तरीय साधक रावण की तरह उसके एक निम्न स्तरीय गुरु शुक्राचार्य भी हुआ करते थे जो खुद क्रोधवश या फिर अहंकारवश किसी को भी श्राप दे दिया करते थे। तो जिस स्तर के गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे स्तर का उनका शिष्य रावण हुआ करता था। और आप बोल रहे हैं कि हाइट बढ़ाने वाली साधना विधि बताएं। आप ईश्वर द्वारा दिए गए अपने शरीर को क्यों टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं? वैसे भी हर लंबे इंसान की कमर एक दिन टेढ़ी होना तय होता है। और अगर साधना करने के बाद आपकी हाइट बढ़ गई और आपको देखकर जो ऑलरेडी लंबे लोग हैं हालांकि उनकी कमर एक दिन टेढ़ी जरूर हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी हाइट ना बढ़ाकर रावण की तरह 10 सर बनाने वाली साधना शुरू कर दी। अगर आपको सूक्ष्म जगत में एंट्री करनी ही है तो आपको यहाँ एक लॉयल साधक बनना है। रावण की तरह सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं से छेड़खानी करने वाला निम्न स्तरीय साधक आपको नहीं बनना है। और ये भी एक वजह है कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा कुछ साधनाओं को क्लिप किया गया है या फिर लॉक किया गया है, क्योंकि प्राचीन समय से ही रावण की तरह कुछ उच्चकी प्रवृत्ति के साधक कुछ 10 स्तर बनाने के लिए साधना किया करते थे, कोई 11 पैर बनाने के लिए साधनाएं किया करते थे, और उसके बाद वही निम्न स्तरीय साधक आम जनता के बीच में आकर उन्हें भयभीत करने का काम करते थे। और अगर मैं आपको हाइट बढ़ाने वाली साधना विधि बता देता हूँ और आप साधना करने बैठ गए, और जैसा कि हर साधक को पता होता है कि जब वो साधना कर रहे होते हैं तो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा उनकी साधना खंडित करने के लिए तरह तरह से उन्हें भ्रमित किया जाता है या फिर भयभीत किया जाता है। तो इस केस में अगर आपकी साधना खंडित हो गई या फिर अधूरी साधना छोड़कर ही आप भाग गए या फिर साधना विधि पूर्ण रूप से फॉलो ना करने की वजह से आपकी हाइट तो नहीं बढ़ी लेकिन आपका एक हाथ 3 फीट लंबा हो गया और एक हाथ आपका वही 2 फुट का रह गया, या फिर साधना विधि गलत होने की वजह से आपके शरीर का कोई अन्य हिस्सा बहुत ज्यादा लंबा या फिर बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है, इसके फलस्वरूप आम जनता आपसे ऑटोमेटिक भयभीत होने लगेगी। लेकिन जो भी साधना करने के बाद आपके साथ घटित होगा उस सबका क्रेडिट मुझे ही जाएगा, मतलब सारा दोष मेरे ही सर मण दिया जाएगा। आप अपने घर पर बैठकर कंफर्ट जोन में साधना के अनुभव सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं जो कि आपको बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन साधना पूर्ण होने से पहले एक साधक के साथ जो घटित होता है वो पूर्ण रूप से अप्राकृतिक रूप में घटित होता है। खैर, एक कमेंट मुझे और आया था कि जिन साधु संतों के बारे में तू बोल रहा है उन साधु संतों के तू चरणों की धूल भी नहीं है, चुपचाप वीडियो बना और पैसे मांगकर अपना घर चला। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जिन साधु संतों के बारे में मैं बोल रहा हूँ मैं उनके चरणों की धूल नहीं हूँ और ना ही कभी ऐसे निम्न स्तरीय साधु संतों के चरणों की धूल में होने वाला हूँ जिन्हें की पूर्व जन्म के बुरे कर्मों की सजा के तौर पर इस जन्म में नेत्रहीन बनाया गया है। और यकीनन इस पृथ्वी में जो इंसान निम्न स्तर का होता है वो निम्न स्तर के साधु संतों को ही उच्च स्तर का समझता है या फिर ऐसे निम्न स्तरीय साधु संतों का एक निम्न स्तरीय चेला बनकर ही रह जाता है। और जहां तक बात रही पैसे मांगकर अपना घर चलाने की, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये मेरा घर है, आपकी औकात है क्या मेरे इस घर को चलाने की? आपकी औकात तो छोड़ो, आपके निम्न स्तरीय वंश ने मेरे इस तरह के घरों को आज तक सिर्फ उजाड़ा मात्र है। खैर, बहुत पहले मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बोला था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा जंगल खरीदूंगा और एक दिन मैं ये जरूर करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, राष्ट्रपति से लड़ना पड़े या फिर कोई डिपार्टमेंट बंद ही क्यों ना करवाना पड़ जाए। सरल भाषा में बताऊं तो ये जो मेरा घर है जो कि मेरा होने के बाद दोबारा से मुझे कभी फ्यूचर में खरीदना पड़ेगा, तो इसके लिए कई सारे कलिग्रस्त इंसानों के साथ कई सारी मानव निर्मित व्यवस्थाओं का समापन होगा या फिर होने वाला है। खैर, ब्रह्मचर्य के विषय में जो वीडियो में बनाने वाला था जिसे कि मैंने होल्ड कर दिया है। एक्चुअल में मेरे वीडियोस देखने वालों में 99% लोग साधना के लिए अभी तैयार ही नहीं हैं, और मैं आंतरिक स्तर पर तैयारी की बात कर रहा हूँ। बड़ी आसानी से कोई भी बोल देता है कि हाइट बढ़ाने वाली साधना के विषय में बताओ, बिलारी साधना के विषय में बताओ, या फिर सूक्ष्म जगत की कोई अन्य शक्ति, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर खुसुर करने वाली सिद्धियों की साधना के बारे में बताओ या फिर उनकी एज लिमिट बताओ। देखिए, साधना तो एक अलग विषय है और हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड और ये इनविजिबल वर्ल्ड भी दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इनविजिबल वर्ल्ड की कोई प्राइवेसी जो कि हर इंसान को पता नहीं होनी चाहिए, अगर मैं ओपनली बता देता हूँ कि
यक्ष कन्या की एज इतनी होती है, गंधर्व कन्या की एज इतनी होती है, या फिर 100 वर्षों तक कोई नाग अगर स्थूल जगत में सर्वाइव कर लेता है तो उसके बाद वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से सूक्ष्म जगत की बारीकियों को अगर कोई साधक उजागर कर देता है तो उसे सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा श्राप दोष लग जाता है। आप एक इंसान हैं, आप मेरे या किसी और के वीडियो देख रहे हैं, आपको सूक्ष्म जगत का सौ पता नहीं है, भगवान का भाव पता नहीं है आपको, वो बात अलग है कि आपकी बाइक या कार में हनुमान जी या भोलेनाथ का स्टिकर जरूर चिपका होगा। आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके सूक्ष्म संसार की शक्तियों की एज पूछ रहे हैं, क्या किसी और को बताना है आपको? मैंने कई बार कहा है कि फिजिकल वर्ल्ड वाली मेंटेलिटी लेकर सूक्ष्म जगत में एंट्री ना करें, वरना ना तो आप फिजिकल वर्ल्ड के हो पाएंगे और ना ही इनविजिबल वर्ल्ड के हो पाएंगे। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा, स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।